महाराज की भूमि पर षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत जो सांप्रदायिक दंगे हुए, इसके पीछे पूरी तरह से महाराज की सरकार है और वे गिरफ्तारी कर रहे भाजपा नेता की। कैसा दोगलापन है, कैसी विडंबना है। इनके खुद के शिवसेना के नेता जो त्रिपुरा में घटना घटी ही नहीं, उसे घटी है दिखा करके लोगों को उकसाने वाला भड़काऊ भाषण करते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान देखे, राशिद अलवी का हिंदुओं के आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करने वाला बयान देखिए। उसी समय सलमान खुर्शीद की किताब आती है, उसमें हिंदुओं के प्रति आपत्तिजनक वाणी का प्रयोग किया जाता है। इन सारे बिंदुओं को जोड़िए आप, सांप्रदायिक दंगों के पहले महाराज के अलग अलग जगहों पे हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, वहां पर बताया जाता है कि कोई काम पर नहीं जाएगा, किस प्रकार से दंगे किए जाएंगे। खुफिया जांच एजेंसी महाराज की क्या कर रही थी? क्या वे सो रहे थे या उनका रिपोर्ट आने के बाद जानबूझ करके महाराज सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की? जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं। खुद का दागी चेहरा, काला दामन छुपाने के लिए वे इस प्रकार से भाजपा नेता पर कार्रवाई नहीं कर सकते। आने वाले चुनाव में लाभ हो सके, इस हेतु कांग्रेस दल और महाराष्ट्र की सरकार ने ये दंगे कराए हैं। जो संगठन इसके लिए जिम्मेदार है उस पर अब तक पाबंदी क्यों नहीं, उस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? इन बातों का भी जवाब महाराष्ट्र की सरकार को देना होगा।